थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा चाय पीकर। हांडी बनाया स्पेशल, तंदूरी भी फेल है, कोलकाता में मिलता है हांडी पर इतना अच्छा नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस 4:45 हो गया, निकलना पड़ेगा क्योंकि आज थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ बनारस, मेरे को पहुँचना है बहुत जल्दी जल्दी। और अभी बस फ्रेश हो गया हूँ, बाथरूम वाथरूम से आ गया हूँ, और चलो गाइस तो निकलते हैं और ढाबा से निकल रहा हूँ गाइस। तो गाइस अभी थोड़ा अंधेरा है बट निकल जाते हैं तो सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो गाइस चलते हैं बनारस, कितना टाइम लगता है। गाइस रास्ते में रुका हूँ चाय पीने के लिए और नमकीन खाने के लिए। इस जगह पे स्पेशली जगह मतलब है, इस जगह का नाम क्या है भाई? कुदरा। देखो चाय यहाँ पे हांडी बनाते इधर में। तो एक चाय दो और नमकीन, कितना करके चाय है तुम्हारा पास? 7 का। ठीक है, 10 वाले एक चाय दो और नमकीन 10 रुपये एक प्लेट। ठीक है दो। गाइस मैं पहली बार देख रहा हूँ स्पेशली ऐसा चाय बनाते हुए हांडी में, वो भी बहुत का कैसा टेस्ट देखते हैं। क्या यार गजब का टेस्ट है गाइस, मतलब कोलकाता में ऐसा नहीं मिलता। मतलब हांड में तो कोलकाता में मिलता है बट यहाँ पे जो जिस चीज़ में बना रहा है उससे ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा टेस्ट अच्छा है। तंदूरी चाय भी फेल है यार। गाइस चाय पी के मज़ा आ गया यार, काफ़ी अच्छा टेस्ट था भाई। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा चाय पीकर। हांडी बनाया स्पेशल। गाइस कोलकाता में लाइक मिलता है बट उससे भी ज़्यादा अच्छा चाय मिला इस जगह का, और काफ़ी अच्छा टेस्ट था बंदा का। गाइस अभी रास्ते में था तो एक चीज़ देखा है, वाओ क्या सुंदर लग रहा है। मतलब रास्ते में जा रहा था लाइक तो दिख गया, तो मैंने उससे एक बार देखते हैं करीब से यार, क्या मस्त लग रहा है। गाइस क्या ही है यार, मस्त लग रहा है। मतलब रास्ते से जा रहा था दिख गया, मतलब चलो देखते हैं भाई करीब से। काफी मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस दिखने में। माय गॉड। चलो गाइस तो इसके बाद अभी थोड़ी दूर और जाना है और कुछ ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि बहुत जोर से भूख भी लग गया। करीब 35 किलोमीटर के आसपास टान दिया हूँ और क्या ही बताऊँ। अभी चलते हैं आगे, फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट करना होगा। चाय पी के तो मज़ा आ गया उस जगह पे। तो गाइस एक फाइनली ढाबा के ऊपर रुका हूँ लिट्टी खाने के लिए, और इसके बाद 35 किलोमीटर आज दिखा रहा है यूपी बॉर्डर। कल तो मतलब पका हुआ लिट्टी खाएं, आज फ्राई लिट्टी। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। तेरा चटनी। तो गाइस मतलब बिहार से अब निकलने वाले हैं 35 किलोमीटर और यूपी में, सोचा फिर से इडली खा लेते हैं। वही पकाया हुआ लिट्टी खाया, आवाज छना हुआ लिट्टी खा रहा हूँ, और इसके बाद तो फिर यूपी घूम जाऊँगा तो ये लिट्टी मिलेगा नहीं गाइस। इधर आप तोड़ के लाते जैसे। तो गाइस तरबूज लोग तोड़ के खिलाता ताज़ा एकदम। क्या नाम है भैया आपका? रोहित। देखो 1 किलो तरबूज 10 रुपया, इतना सस्ता। गाइस यहाँ से बनारस और 74 किलोमीटर दिखा रहा है, बहुत धूप निकल गया। तब तक थोड़ा एक मतलब रोड के पीछे पास थोड़ा बैठ लिया हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। उसके बाद अभी 5 मिनट में निकलूँगा, और अभी बजा है 11 बजे के अंदर मेरे को 75 किलोमीटर कंप्लीट करना है गाइस। तो अभी 5 मिनट रेस्ट लेके फिर निकलता हूँ। गाइस फाइनली यूपी आ गए हैं और अभी जा रहे हैं बनारस, देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से दिखा रहे हैं 56 किलोमीटर। गाइस फाइनली एक ढाबा के पास रुका हूँ खाने के लिए, बहुत जोर से भूख लगती है, तो काफ़ी भूख है। यहाँ पर खा के थोड़ा रेस्ट लूँगा फिर निकलूँगा। गाइस बहुत ज़्यादा रेट लिए, 4:30 बज गए फिर भी धूप नहीं कमा है, और ढाबा पर नहीं एक रास्ते पे लाइक ढाबा से निकल के एक रास्ते में रुका हुआ था जगह पे, मतलब किसी घर है ना उसके सामने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था। और अभी 4:30 बज गया गाइस, फिर भी देखो बहुत ज़्यादा फिर भी धूप है, बट निकलना पड़ेगा क्योंकि बनारस क्योंकि अभी भी 38 किलोमीटर दिखा रहा है, मेरे को 2 घंटा के अंदर टालना पड़ेगा। तो गाइस चलो निकलते फिर, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिए। तो गाइस फाइनली आ गया हूँ बनारस मतलब पार भी कर गया हूँ 2-4 किलोमीटर, और एक होटल मिला है उधर में रुका हूँ। क्रिस टूटता नहीं है, क्रिस टूटता है यार। और इधर में एक डॉग भी है। तो गाइस अभी जा रहे हैं नहाने के लिए और फ्रेश होकर फिर मिलते हैं, क्योंकि भूख भी लग गया बहुत जोर से, और क्या ही बताऊँ, नहा के फिर मिलते हैं। हे गाइस तो
क्या ही बताऊँ, खाना खा लिया और खाना नहीं दिखा पाया, सॉरी, क्योंकि वो थका हुआ, फ़ोन चार्ज में लगा दिया था। और गाइस जा रहा हूँ सोने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब भी जो नहीं किया है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।